नमस्कार, आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम फिर से एक बार सीख रहे हैं अंग्रेजी अक्षरों से निकलने वाली ध्वनियां। पिछले चार वीडियोस में हमने अलग अलग अक्षरों को लेकर के उनसे निकलने वाली ध्वनियां जानी और समझी। अब बची है आखिरी पांच ध्वनियां, आखिरी पांच अक्षर, और वो है वी, W, X, Y और Z। तो सबसे पहले लेते हैं 22वें अक्षर को, जो है V। V for when, V says W। V for victory, आपने देखा होगा लोग कई बार ये निशान बताते हैं। V for victory, victory यानी विजय, जीत। इसी V से बनता है village, यानी गांव। V I L L A G E, village। V-O-T-E, वोट, ये भी V से बनता है। सब्जियों के लिए अंग्रेजी में शब्द है वेजिटेबल, और वो भी V से बनता है। V-E-G-E-T-A-B-L-E, वेजिटेबल। इस तरह से हम देखते हैं कि V से बनता है व। पर यहां पर गौर करने लायक चीज ये है कि V और W दोनों से ही व बनता है, पर दोनों के व में अंतर है। जो वी से बनता है उसमें हमारा उच्चारण कुछ इस तरह से है, वी। इसमें हमारा लोअर लिप अपर टीथ को टच करके बोलता है व। जबकि डब्ल्यू से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें हमको अपने ओंठों को गोल करना पड़ता है और बोलना पड़ता है व। ये आएगा डब्ल्यू से, और अगला अक्षर संयोग से है W। ये वर्णमाला का 23वां अक्षर है W, और इससे बनता है व। वॉच, विंडो, इन दोनों में आप देखिए W I N D O W, विंडो, W A T C H, वॉच, इन सब से बनता है व। अगला अक्षर है X, जो कि 24वां अक्षर है, और X से बनता है आधा क और स, यानी क्स, ये ध्वनि निकलती है। जैसे बी ओ एक्स में हम देखें बॉक्स, बी ओ से तो बॉ बना, और आगे आगे जो X है उससे बना आधा क और स, ये हो गया बॉक्स। एफ ओ एक्स, फॉक्स। X से एक और ध्वनि निकलती है, वो है ज, जैसे जेरोक्स। जेरोक्स एक इतना सुंदर उदाहरण है जिसमें एक्स से निकलने वाली दोनों ध्वनियां हम समझ सकते हैं। एक्स ई आर ओ एक्स, यह है इसकी स्पेलिंग, और पहले वाला एक्स बना रहा है ज, और बाद वाला एक्स बना रहा है आधा क और स। यह है जेरोक्स, यानी जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं जेरोक्स। अगला अक्षर है 25वां, वो है वाई, और वाई यूं तो कंसोनेंट है पर इसे कभी कभी सेमी वाउल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ई की मात्रा लगाने का काम भी करता है और यह यज्ञ का भी बनाता है। स्टोरी, हिस्ट्री, इन सभी में वाई ई की मात्रा लगाता है। बाकी इससे अगर कोई कंसोनेंट की ध्वनि निकलती है तो वो है य, यज्ञ वाला। तो देखिए वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू, येलो यानी पीला। Y E S, yes। Y E A R, year। Year यानी वर्ष, ये भी एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है Y से Y बनने का, सुंदर उदाहरण। अब हम आते हैं 26वें और अंतिम अक्षर की तरफ, और वो है Z। अमेरिकन इंग्लिश में इसे Z भी कहा जाता है, और यानी कि Z का ही प्रोनंसिएशन Z होता है, और इससे बनता है ज, यानी ये बड़ा महत्व का है। जैसे हम देखें जीरो, जेड ई आर ओ, जीरो, जेड ई बी आर ए, जीब्रा, जेड आई पी, जिप, यानी जो चैन रहती है जिसे हम खोलते हैं बंद करते हैं, जिप। इस तरह से जेड से बनता है ज। ए से लगा करके जेड तक हम आए, पर आज के वीडियो में हमने लिए थे
पांच अक्षर। सबसे पहला था वी, उससे बनता है व। अगला अक्षर था डब्ल्यू, जिससे बनता है व। इसमें हमें ओंठ अपने गोल करने हैं। एक्स से बनेगा आधा क और स, यानी क्स और ज। वाई से बनेगा य, और वाई से ई की मात्रा भी लगेगी। जेड से बनेगा ज। इस तरह से ए से जेड तक सारे के सारे 26 अक्षर हमने लिए और उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को हमने स्टडी किया। आगे के वीडियो क्लासेस में हम आगे की चीजें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप जरूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें। धन्यवाद।